नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक बिटन ऑल। और दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कतर कंट्री के लिए जॉब। इसमें आपका पासपोर्ट ECR हो या फिर ECNR हो, दोनों पासपोर्ट से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बढ़िया जो बात है कि ये जॉब हर कोई इंसान कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कर सकता है दोस्तों। और सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। तो चलिए दोस्तों आज हम इस जॉब के बारे में जानेंगे, देखेंगे और इसके बारे में अप्लाई करने का प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल टेक बिटन ऑल को। और उसके साथ साथ प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उसमें होगा कि मैं जब भी डालूंगा नया वीडियो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास सबसे पहले दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों आज का जो वैकेंसी है वो कतर कंट्री के लिए है दोस्तों। कतर कंट्री के लिए जाने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो कतर एक अच्छा खासा कंट्री है। आप यहाँ पे जाके आप अपना लाइफ सेट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीज़ा इन 10 डेज 100%। और यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट जो है बहुत ही अर्जेंट है कतर के लिए। और जो वैकेंसी का जो लिमिट है दोस्तों, ये यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि 300 यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 300 यहाँ पर आदमी चाहिए दोस्तों काम करने के लिए। और वहाँ पर काम आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए जनरल हेल्पर, जो कि होता है आपका क्लीनर अब मान के चलिए, ठीक है ना, या फिर जनरल हेल्पर लेबर अब मान के चलिए, ठीक है ना। सो इस टाइप का काम आपको करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए अगर जो क्लीनर का जो काम है वो हर कोई इंसान कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कर सकता है, राइट। तो आप इस हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, इसमें कोई एक्सपीरियंस आपको चाहिए चाहिए ऐसा कोई बात नहीं। और आपका पासपोर्ट ECR हो या फिर ECNR हो, आप दोनों में एबर एलिजिबल हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर जो ड्यूटी आवर्स रहेगा देख सकते हो, 8 आवर्स का ड्यूटी रहेगा। अगर आप इसके बाद भी अगर आप ड्यूटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओवर टाइम भी आपको मिलेगा दोस्तों। सैलरी यहाँ पर जो आपको मिलेगा 900 मिलेगा दोस्तों, राइट। तो और यहाँ पर जनरल हेल्पर के अंदर जितने भी कैटेगरी आता है, राइट, उस कैटेगरी के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कतर कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अब सिंपली यहाँ पर जाने के बाद 2 साल काम करने के अंदर अंदर आप अपना अपने लिए बहुत ही अच्छा खासा कंपनी में अब जा सकते हैं दोस्तों, राइट। अब स्टार्टिंग में इसे शुरू कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो इस कंपनी को छोड़ दीजिए, दूसरी किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो भेजना पड़ेगा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, राइट, ये सारा चीज़ आपको भेजना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मेडिकल जो होता है, मेडिकल आप मैं आपको कह देता हूँ, सिंपली आप पे करेंगे 500, वो भी मेरे को नहीं, आप किसी से भी करा के दीजिए मेडिकल, 500 से ज़्यादा एक भी पैसा आप मत पे कीजिए दोस्तों। और एक सबसे बढ़िया जो बात है, बहुत लोग कहते हैं कि सर एजेंट पासपोर्ट मांग रहे हैं, तो आप किसी भी एजेंट को अपना पासपोर्ट मत दीजिए, यानी कि अपना पासपोर्ट गिरवी मत रखिए दोस्तों। ECR ECNR दोनों बंदे इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कतर कंट्री के लिए जॉब है, 900 सैलरी है। अगर हम देखते हैं कि इंडिया के हिसाब से आप यहाँ पर कितना कमा सकते हो तो हम सिंपली गूगल में आ जाते हैं, उसके बाद कतर टू INR, आई होप स्पेलिंग गलत हो गया, राइट। सो ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कतारी में क्या चलता है, कतारी रियल चलता है दोस्तों, राइट। सो यहाँ पर सपोज मान लीजिए आपका सैलरी है 900, तो यहाँ पर 16,000 हो रहा है दोस्तों। ओवर टाइम मिला के आपका मिनिमम यहाँ पर जो हो जाएगा 20,000 प्लस हो जाएगा दोस्तों, राइट। ओवर टाइम मिला के मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 20,000 प्लस हो जाएगा। आप अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट ECR हो ECNR हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप सिंपली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, राइट। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अभी आप स्क्रीन के सामने एक मेल आईडी देख सकते हो, अपना जो भी CV है, बायोडाटा है या फिर रिज्यूम है, आप जो भी कह लीजिए उसको आप इस मेल पे भेजिए, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी एज ए वॉइस मैसेज पे बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यही एक छोटा सा जो अपडेट था कतर कंट्री के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा खासा बड़ा एक वैकेंसी था जो कि मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आप जल्द से जल्द जितनी में हो सके तो अप्लाई कीजिए और इसमें ज्वाइंट हो जाइए दोस्तों। तो इस वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।